नमस्कार दोस्तों, तो इस दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो खाने का शौकीन ना हो। मेरे ख्याल से सारे लोग खाने के शौकीन होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव फूड्स इन द वर्ल्ड। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, यह आपके लिए बहुत काम की और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दसवें नंबर पे आता है मैटसुटेक मशरूम। इसकी कीमत है 7,470 रुपीज़ पर केजी, और इस फूड को सबसे ज़्यादा जापान में खाया जाता है। नौवें नंबर पे आता है फोई ग्रास। इसकी कीमत है 8,220 रुपीज़ पर पीस, और ये फूड सबसे ज़्यादा फ्रांस में खाया जाता है। आठवें नंबर पे आता है वैग्यू बीफ। इसकी कीमत है 33,616 रुपीज़ पर केजी, और इस फूड को सबसे ज़्यादा जापान में खाया जाता है। सातवें नंबर पे आता है आइबेरिको हैम। इसकी कीमत है 35,857 रुपीज़ पर केजी, और ये फूड सबसे ज़्यादा स्पेन में खाया जाता है। छठे नंबर पे आता है कोपी लुआ कॉफ़ी। इसकी कीमत है 18,676 रुपीज़ पर केजी से लेकर 89,644 रुपीज़ तक, और इस फूड को सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के आइसलैंड सुमात्रा में खाया जाता है। पांचवें नंबर से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल में सिलेक्ट कर लीजिए। पांचवें नंबर पे आता है व्हाइट ट्रफल। इसकी कीमत है 1,56,878 रुपीज, और इस फूड को सबसे ज्यादा इटली में खाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है स्वेलोज नेस्ट सूप। इसकी कीमत है 2,24,112 रुपीज पर बाउल, और इस सूप को ईजाद किया है इंडोनेशिया ने। टॉप 3 में तीसरे नंबर पे आता है ओयस्टर फूड। इसकी कीमत है 11,58,800 रुपीज पर केजी, और ये फूड सबसे ज़्यादा जापान में खाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कैवियर फूड। इसकी कीमत है 26,20,100 रुपीज पर केजी। ये कैवियर फूड एक फिश से निकलता है जिसका नाम है सर्जियोन फिश, और ये फूड सबसे ज़्यादा चाइना में खाया जाता है। पहले नंबर पे आता है सैफ्रॉन। इसको हिंदी में केसर भी बोलते हैं। ये इंडियन वैरायटी वाला केसर ना होकर अमेरिकन वैरायटी वाला केसर है। इसकी कीमत है 30,18,102 रुपीज़ पर केजी। ये इतना महंगा फूड इसलिए है क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसकी खेती करने में कोई भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है, और केसर की हार्वेस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये केसर फ्लावर से निकलता है। इस कारण से केसर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अपना फेवरेट फूड ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।